बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माज़ूर दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज़ आपके हुक्म की मुंतज़र है। जो चीज़ आप लेना चाहते हैं तो इंटरनेट से फ़ौरन ख़रीद सकते हैं। किसी से बात करना चाहते हैं या किसी जगह का मौसम मालूम करना चाह रहे हैं या हालात हाजरा मालूम करना चाह रहे हैं तो एक सेकेंड में ये सब कुछ मालूम हो जाता है। ये सब इंटरनेट की वजह से मुमकिन हुआ। इंटरनेट की ईजाद ने दुनिया की सरहदों को बज़ाहिर ख़त्म कर दिया। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। मज़ीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज किट को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इंटरनेट रबतों और नेटवर्क का ऐसा जाल है जो कि करोड़ों लोगों को इंटरनेट के प्रोटोकॉल के जरिए पूरी दुनिया में रबतों की सहूलत फराहम कर रहा है। चाहे आप टी वी के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल की मिसाल ले लें या फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की, ये सब जदीद टेक्नोलॉजीज़ और इंटरनेट की मिसालें हैं। हालांकि इंटरनेट की तारीख 1960 से शुरू होती है तो मुतहदा रियासती हुकूमत और निजी इदारों के तावन से पहली बार इंटरनेट में पेशकदमी की गई, लेकिन ये पेशकदमी ज़्यादा बेहतर साबित ना हो सकी। इसलिए 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन और दूसरे निजी इदारों के तावन से जदीद बुनियादों पर नए नेटवर्क कायम किए गए। इंटरनेट के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके साथ साथ इंटरनेट के आने के बाद माशरा तबाह और बर्बाद होकर रह गया। हर बंदा हर वक्त नेट की दुनिया में मगन है और औलाद को वालदैन के लिए टाइम नहीं। इसके अलावा अब किसी की कोई प्राइवेसी नहीं रही। मुख्तलिफ हथकंडों के जरिए माशरे के हर बंदे का निजी डेटा चोरी किया जा रहा है। खातिन हजरात, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो मालिक 10 मालिक हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन से मालिक है। नंबर 10 पर है मेक्सिको। मेक्सिको के अंदर तकरीबन 6 करोड़ लोग नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और नंबर 9 पर जर्मनी। जर्मनी के अंदर जो यूज़र है नेट के वो तकरीबन 7 करोड़ है। और इसी तरह नाइजीरिया 8वें नंबर पर है, इसके अंदर तकरीबन 9 करोड़ लोग हैं। और 7वें नंबर पर रूस आता है, रूस के अंदर तकरीबन 10 करोड़ लोग हैं। और नंबर 6 पर है जापान। जापान के अंदर जो नेट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो तकरीबन 11.5 करोड़ हैं। और नंबर 5 पर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर तकरीबन 13 करोड़ लोग नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और नंबर 4 पर ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर तकरीबन 14 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर तकरीबन 28 करोड़ लोग नेट इस्तेमाल करते हैं। और नंबर दो पर भारत के अंदर तकरीबन 46 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। और नंबर 1 पर चीन के अंदर तकरीबन 73 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं।